वेलनेस और फिटनेस बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर्स के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस कम शिविर का आयोजन हुआ। 5 दिवसीय शिविर आबू रोड स्थित आनंद सरोवर में आयोजित रहा, जिसमें 1000 से अधिक कंपनी के मेंबर्स शामिल हुए। शिविर का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके गीता दीदी, नाशिक सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके वासंती दीदी और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर किशोर अहिर, डायमंड एग्जीक्यूटिव दिगंबर सोनावने, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर योगेश निकम की उपस्थिति में हुआ। हरेक व्यक्ति को मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी जानकारी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि जो आया है उसको जाना है, परंतु कहाँ जाना है और कहाँ से आया है ये समझने के लिए लोगों के पास आज फुर्सत नहीं है। अपन तो ट्रिप तो बहुत करते हैं, कभी कश्मीर जाते, कभी गोवा जाते, कभी कन्याकुमारी जाते, तो क्यों ना एक ट्रिप अपनी माउंट आबू होनी चाहिए साल में, और अकेले नहीं होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ होनी चाहिए, अपनी टीम के साथ होनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि थॉट ही विचार लोगों में स्प्रेड करना है। उद्घाटन दिवस के बाद आगे के दिनों में संस्था के मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा, आवास निवास प्रभारी बीके देव, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके उषा, युवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने तनाव प्रबंधन, टीम बिल्डिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों पर कंपनी के मेंबर्स को संबोधित करते हुए टिप्स दिए और राजयोग मेडिटेशन द्वारा कई दिव्य अनुभूतियां कराई। भाषण करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मूल्य कितना धारण किया, अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यूज आर टॉट, कैन नेवर बी टॉट, वैल्यूज आर कॉट। देख करके मनुष्य सीखता है, सिखा करके अगर होता तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो गई होती, सिखा करके कभी नहीं होता है दोस्त। मनुष्य जीवन कर्म क्षेत्र जिसको कहा गया, ये कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है, और इसीलिए इस कुरुक्षेत्र में हर इंसान युद्ध कर रहा है, और युद्ध के समय ही मन को क्लियर रखने के लिए, ताकि दीर्घ दृष्टि हमारी रहे और स्पष्ट दृष्टि रहे, उसके लिए ही गीता का ज्ञान जरूरी है। महसूस करें आपके सर के ऊपर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा, और उस परमात्मा से शांति की किरणें, शक्ति की किरणें वर्षा के रूप में मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। गौरतलब है कि यह पूरा शिविर नासिक डिंडोरी रोड सेवा केंद्र के सहयोग से आयोजित रहा। यह शिविर कई सालों से मुख्यालय में आयोजित हो रहा है और आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तंबाकू उद्योग युवाओं को विशेष टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इसी के चलते संस्था के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में राजस्थान सरकार, ब्रह्मा कुमारी जिम, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिल्ली से आए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवीण सिन्हा ने इस दौरान कहा कि तंबाकू युवाओं को लुभाती, ललचाती और अपना शिकार बनाती है। तंबाकू उद्योग जगत की कंपनियां तंबाकू को एक स्वस्थ विकल्प बताती है, इसी के चलते प्रतिवर्ष 80 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो वही मेडिकल प्रभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिश्रा ने कहा कि समाज में नशे की स्वीकारिता के कारण दिनों दिन इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उनके अलावा प्रभाग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बीके बनारसी लाल, संयुक्त सचिव डॉक्टर बीके सचिन परब, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके उषा दीदी, नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया ने भी युवाओं में नशे के फैलाव के कारणों पर प्रकाश डाला। ऐसे ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, छतरपुर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, विविध सेवा प्राधिकरण जिला जज अनिल पाठक उपस्थित रहे और सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नशा मुक्त भारत अभियान में
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के कई कवि यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसको हमें जन अभियान बनाना है, जन जन तक पहुंचाना है, न केवल अपने बच्चों को मतलब इस व्यसन से बचाना है बल्कि अपने परिवार को और समाज को भी इस व्यसन से बचाना है। पुलिस विभाग का जो भी सहयोग आपको जब भी लगेगा उसके लिए पूरी तरह कर्तव्य।